रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध है। निकट भविष्य में परीक्षाएं आयोजित होनी हैं और शादियों का सीजन भी चल रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए SDM मंडला, SDOP मंडला और थाना कोतवाली मंडला के द्वारा तमाम ऐसी जगहों जहां या मैरिज लॉन में जहां शादियां हो रही थी वहां पर भ्रमण किया गया है और वहां पर DJ संचालक जो हैं और शादी करने वाले, इन लोगों को समझाइश दी गई है कि रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग ना करें, और जब भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करें तो उसकी जो क्षमता है उसको कम से कम रखें, और अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उनका पालन नहीं करता है तो उसमें फिर हम कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत उसमें कार्रवाई करते हैं और उनका DJ जब्त होता है और उसके ऊपर कार्रवाइयाँ होती हैं। तो हम लोगों ने कल इसके पहले भी इनकी मीटिंग ली थी और उनको समझाया था, और कल और लगातार इनको समझा रहे हैं। इसके पूर्व में भी 1-2 बार इनकी मीटिंग की जा चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जो जारी निर्देश है, और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो जारी निर्देश है उसके पालन में आज पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई है। जो नियंत्रित जो हमारे मापदंड थे ध्वनि उसके विस्तारक के यंत्र के लिए, उससे अधिक जो चला रहे थे जो हमारे शादी जो समारोह स्थल थे वहाँ पर, ये इसलिए चलाए गए क्योंकि आने वाले समय में अभी बोर्ड परीक्षाएँ अभी आनी है, तो उसके संबंध में पुलिस और प्रशासन दोनों द्वारा कार्रवाई की गई है और समझाइश दी गई है कि जो है 10 बजे के बाद जो उनको नहीं चलाना है।